ओके दोस्तों, आज हम बात करते हैं तरबूज के शरबत की। गर्मी के दिनों में तरबूज का शरबत सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आज हम इंस्टेंट शरबत बनाते हैं। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है? हमने ये 1 केजी तरबूज ले लिया है, जिसको छील के अच्छे से रख लिया है। ये पुदीने के पत्ते लिए हैं, नींबू का रस लिया है, ये शुगर लिया है, चीनी लिया है जो पीस लिया है, और ये ब्लैक सॉल्ट काला नमक लिया है। तो आइए शुरू करते हैं तरबूज का शरबत कैसे बनाते हैं। ये मैं फूड प्रोसेसर लिया है, इसकी मदद से आज हम तरबूज का शरबत बनाएंगे। अगर हम ग्राइंडर या मिक्सर से तरबूज का शरबत बनाते हैं तो उसके बीज साथ में ही पीस जाते हैं, इसलिए मैं आज फूड प्रोसेसर का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसके कारण हमारा बहुत ही अच्छा रस बनेगा। लीजिए दोस्तों, हमारा तरबूज का शरबत बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा तरबूज का शरबत बना है। चलो देखते हैं। ये मैं इनको अलग रख देता हूं। बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। ये 1 केजी तरबूज लिया था, इसमें हम थोड़ा मीठा डाल देते हैं, लगभग 1 चम्मच, क्योंकि तरबूज अपने आप में ही मीठा होता है। थोड़ा काला नमक डाल देते हैं, काला नमक से स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसके बाद ये हमने लेमन जूस लिया है, इसको थोड़ा ज्यादा डालते हैं। बहुत अच्छा। अभी इसको थोड़ा हिला के अभी हम इसको सर्व कर देते हैं। और बाद में पुदीने की पत्ती से इसको गार्निश कर देते हैं। ये दीजिए, ये तरबूज का शरबत बहुत ही बनने के लिए दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और पीने में तो उससे भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ये तरबूज का शरबत पीजिए और अपने शेयर हमारे साथ शेयर कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।